ये देखो, ये यहाँ पे बच्चे को लेके लगे हुए हैं, ये मम्मी देखो, ये मामी जी, ये दादी जी, ये नानी जी, देवू, देवू हाय करो, तू भी हाय कर। देखो ये बड़ी दीदी, छोटी दीदी, फिर छोटी दीदी। ये देखो, ये हमारी सरस्वती, लक्ष्मी, काली। छोटे बेबी, छोटे बेबी, झाड़ हो गया ना बेबी, अब छोना छोना बाबू बन गया। आज बेबी ने नहाई नहीं कर ली भाई, आज बेबी ने नहाई नहीं कर ली भाई, छोटे छोटे बेबी ने नहाई नहीं कर ली। भूख लग रही है। देखो जी, हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार को भूख लग गई है, छोटी छोटी गुड़िया रानी को भूखी लग गई है। अभी दूध देंगे आपको, दो मिनट रुक जाओ। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आपकी प्लस स्मृति अरोड़ा। सो कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे हुआ है बेबी का बात, और जैसे कि हमारे में छठी पे मम्मा और बेबी को फर्स्ट टाइम मिलाते हैं, तो मैं नहा चुकी थी, उसके बाद ये बेबी को नहलाया जा रहा था, बिकॉज आज बेबी की छठी थी और मेरी मम्मा बहुत एक्सपर्ट है, तो इसलिए मम्मी और शैलजा ने मिल के नहलाया, और अब उसको तैयार कर रही है मम्मी। एंड मतलब ये मोमेंट काफ़ी स्पेशल होता है ना, कि छोटा छोटा बेबी है, फर्स्ट टाइम बात हुआ, और अब उसकी पूजा होगी छठी की। तो हम सबके यहाँ अलग रिचुअल्स होते हैं, हमारे यहाँ कुछ इस टाइप के रिचुअल्स हैं। मतलब जैसे कि काफ़ी लोगों को पता है कि मैं पंजाबी हूँ, मेरे हस्बैंड राजपूत हैं, तो सारे रिचुअल ऑब्वियस है कि हस्बैंड के होंगे, तो उनके यहाँ पे छठी कुछ इस तरीके से मनाई जाती है। तो मैं आगे आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ, और आई होप कि अब मैं अपने व्लॉग्स में कंटिन्यू रहूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि दी आप डेली व्लॉग्स डालो, बट यू नो कि मेरा सिजेरियन हुआ है, तो मुझे रिकवर में थोड़ा टाइम चाहिए था और टाइम लगा है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे बेबी को ड्रेस पहनाई जा रही है, और अब आगे मैं दिखाऊंगी आपको कैसे कैसे हमारे यहाँ रिचुअल में छठी मनाई जाती है बच्चे की। और बस आप लोग प्रेयर करो कि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ, बिकॉज़ मुझे रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं जल्दी रिकवर नहीं हो पाती हूँ। तो सिज़ेरियन, और हाँ, मुझे अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, काफ़ी करी भी है, और डिलीवरी स्टोरी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज काफ़ी लोग पूछते थे, दीदी जब आप पेन्स में थे, जब आपका वाटर ब्लॉक हो गया था, तो आपका सी सेशन क्यों हुआ। तो इस चीज़ का भी आंसर मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में आई होप दूँगी। और यहाँ पे वो जो आंटी होती है डिस्पेंसरी वाली, तो वो बेबी का वेट चेक करने आई हुई है, और बेबी का वेट हो रहा है यहाँ पे। गाइस, हम अभी मिलाने वाले हैं आपको तीन तीन शेफ से, नहीं चार, एक गए रहे जो आराम करने गए थे, थक गए। दूनी ले लो, और तीन ये रहे, हमारी शक्ल देखो, मैं तो बेकार हूं, बिल्कुल सूट वूट पहन के। ये देखो यार, बन रहा है अभी खाना, तो आधा बन चुका है। हाँ तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है कुछ बताइए दीदी, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा है ना शैलजा दीदी, नहीं इनको तो मजा आ रहा है, शैलजा दीदी को बहुत मजा आ रहा है, कह रहे मजा आ रहा है, रोज आगे मैं बना दूंगी। मैंने किया दाल भी, प्याज की, चलो यार दिखाते हैं क्या क्या बनाया है, ठीक है ब्रेक के बाद। पूजा की शुरुआत होते हुए बेबू, बेबू एप्पल खा रही है, अब इसके कपड़े नए नए
सबसे पहला न्यू गाइस अभी पूजा हो रही है मम्मा कॉपी गए पेन कॉपी गए आप कुछ कर दो पापा आगे हो करो सिमी तू थोड़ी ऐसी अपनी सासू माँ की तरह बैठ जा थोड़ा ऐसे हो गया तो गाइस यहाँ पे हमारी छठी की पूजा स्टार्ट हो गई है और ये मम्मी भोग लगा रही है। भोग में हमारे यहाँ जैसे बनता है मम्मी बताती है, मम्मी ने बनवाया जैसे दाल खीर पूड़ी सूखी सब्जी और क्या बना था, हाँ रोटी एंड चावल। तो ये सब बनता है और जो जैसे कहते हैं जो बच्चों का लिखती हैं पूरा माता आज के दिन, मतलब छठी वैसे तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि क्यों मनाई जाती है, छठी वाले दिन बच्चे की किस्मत लिखी जाती है। तो जो सौ माता होती हैं तो उनको मतलब उनको बुलाया जाता है कि वो आए और हमारे हम उनसे प्रेयर करते हैं कि हमारे बच्चे की किस्मत में सब कुछ अच्छा अच्छा लिखें। और बस इसलिए वही पूजा हो रही है और पूरी फैमिली आई हुई थी, सब बैठे थे और ये रही हमारी क्यूटूशी बेबी। अभी तक कुछ भी नाम फाइनल नहीं किया, नाम के लिए बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या नाम रखे इसका। बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे दिमाग में बट अभी बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि ऑब्वियस है यार नाम एक ऐसी चीज़ है लाइफ टाइम चलाना है और एक बार जो रखा जाएगा वो आगे चेंज नहीं हो सकता। इसलिए मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं थोड़ा टाइम ले लेते हैं और अभी हमारी ये छठी हुई है इसके बाद अब इसका नामकरण भी होगा तो हो सकता है तब तक तो हम सोच ही लेंगे, जो कि आई थिंक एक तरीक को उसका नामकरण होना है, हवन जो घर में प्रॉपर हवन होता है वो उस वो होना है। तो अभी हमारा जापा टाइम चल रहा है और हम अपना ये टाइम इंजॉय कर रहे हैं मम्मा और बेटी और होप कि मैं आपके साथ डेली व्लॉग शेयर कर पाऊँ अपने, मैं आपको दिखाऊँ कि हमारा ये टाइम कैसे स्पेंड हो रहा है। अभी तो फुल बेड रेस्ट पे है, अभी सिर्फ खाना पीना और मसाज वगैरह चल रही है और यहाँ पे बेबी को मत्था टिका रहे हैं कि बस सब कुछ अच्छा अच्छा हो उसकी किस्मत में।
सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा जाए, माता रानी इसको ब्लेस्ड करे। बाकी यही है, मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब जब एक बेबी घर में आता है ना तो सब कुछ ही चेंज हो जाता है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए मेरी लाइफ में तो स्पेशली, और ज़्यादातर मॉम्स की लाइफ ही चेंज होती है। बिकॉज अभी क्या था एक्चुअली, समृद्धि बहुत बड़ी हो चुकी है और समृद्धि के वो साथ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम्स, मतलब इतना ज़्यादा मुझे उसके साथ नहीं लगना पड़ता, बिकॉज शी इज़ वेरी मैच्योर, वो बहुत समझदार है, वो सब कुछ खुद से कर लेती है। तो मेरे लिए बिल्कुल एकदम न्यू मॉम वाली फीलिंग हो रही है दोबारा से, कि जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम मम्मा बनी होंगी। अब वो अभी बेबी बहुत छोटी है तो सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है, तो मुझे हर चीज़ बिल्कुल न्यू मॉम वाली फील हो रही है। और ये होता है कॉपी पेन, जो कि अभी हम बिल्कुल सबसे पहले श्री गणेश करके ये कॉपी पेन रखी जाएगी पूरी रात के लिए, ताकि कहते हैं कि इसी कॉपी के अंदर पूरी माता किस्मत लिखती है, और ये कॉपी हम हमेशा संभाल के रखते हैं, और जब बेबी लिखने लगेगी तो फर्स्ट वर्ड हम इसी कॉपी में लिखवाएंगे। समृद्धि की भी मैंने अब तक संभाल के रखी है और इसकी भी मैं हमेशा संभाल के रखूँगी। तो ये अभी तो इसके पापा बना रहे हैं, फिर हम इसके हाथ से रखवाएंगे, हाथ से रखवाएंगे। एंड आप समझ सकते हो मैं नींद भी हो रही हूँ मेरी नींदें भी पूरी नहीं हो रही, तो बस कल से मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अपने डेली व्लॉग्स लेके आऊँ। बाकी तो मैं सब कुछ साथ 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 ट्राई कर ही रही हूँ शेयर करूँ। एक्चुअली चीज़ें इसलिए थोड़ा सा लेट लेट हो रही है बिकॉज बेबी अभी बहुत छोटी है, ठीक है। तो मतलब मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि अभी उस बहुत ज़्यादा भी मैं उसको अपडेट ना रख करूँ, बट अब ठीक है वो 20 डेज़ की हो गई है, तो अब मतलब 20 डेज़ की हो जाएगी अभी 24 को, बिकॉज इसका बॉर्न 4 सितंबर को हुआ है। एंड मतलब मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, कि एक मतलब कॉन्सिडेंस आप कह सकती हो कि आई डोंट नो क्या था ये, क्या मतलब क्या हुआ उस दिन मेरे साथ। मैं लिटरली आपके साथ पूरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, और एक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्सिडेंस हुआ है उस दिन जिस दिन ये बॉन्ड हुई है। तो यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मतलब कहते हैं ना कि जिस दिन जब जो लिखा है ना वो ही होना है, आप कितना भी ट्राई कर लो। तो मैं अपनी डिलीवरी स्टोरी आई होप कि मैं कल या परसों आपके साथ शेयर करूँ और आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पे आप देखो बेबी के हाथ से हम लिखवा रहे हैं सबसे पहला वर्ड, कि क्या हो मतलब भगवान का नाम लिखवा रहे हैं सबसे पहले। दरवाजा खोल के सोना ये वाला नहीं होगा। दादू, ये मेरी बीबी आ रही है।
एंड यहाँ पे बनाया जा रहा है बीबी के लिए काजल, जो कि बन चुका है। और वैसे तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप देख लो, हमारे यहाँ ये भी रिचुअल होते हैं कि छठी वाले दिन इस दिए से काजल ज़रूर बनता है, और ये काजल बेबी को ज़रूर लगाया जाता है। और वैसे तो हम इकट्ठा काजल भी बना के रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, बट हमने अभी थोड़ा ही बनाया था। अगर हमें लगेगा आगे कि हमें काजल लगाना है तो हम बना लेंगे, बट अभी तो हम यही स्टोर करके, मतलब यही अभी अभी बस बना के इतना ही लगा रहे हैं। और जितने बच्चे थे हमने सबको लगाया, समृद्धि को भी, दीवांशी को भी, सबको लगाया। तो ये बेबी का फर्स्ट काजल सेरेमनी भी आप कह सकते हो कि इसकी फर्स्ट काजल सेरेमनी है, बिकॉज इससे पहले, छठी से पहले हम काजल नहीं लगाते बच्चों को, छठी वाले दिन ही काजल लगाते हैं। तो ये भी एक रिचुअल है हमारे यहाँ पे। थोड़ा ऐसे घूम के बैठियो, वीडियो में भी आ पाए। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हो, एंड आई एम सो सॉरी कंटिन्यू तो नहीं आ रहे, बट आई विल ट्राई कि मैं कल से कंटिन्यू करूँ। और प्लीज़ अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है मेरे वीडियोस देख के, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं वीडियोस अब कंटिन्यू करूँ। और होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे ऐसे ही मेरे हर व्लॉग्स में, ताकि मैं आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर कर पाऊँ। ठीक है, मेरी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ, कुछ टिप्स भी दूँ, कुछ आप लोगों से सीखूँ, कुछ आप लोगों के यहाँ पे होता है तो प्लीज़ मुझसे भी शेयर करना।